उसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज समन्वय आर्य, आई एम अ बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट एट एनआईटी हमीरपुर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर 6 क्वेश्चन की, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज का 6 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है क्या, व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्रॉस क्यों नहीं करती हैं एक दूसरे को, कर्व बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अगर मैं बात करता हूँ किसी भी एक पॉइंट की इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, किसी भी अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ, तो उस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो ही डायरेक्शन आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। ठीक है, या ऐसा भी मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है किसी भी एक पॉइंट पर। ठीक है, जहां जहां से भी ये जाएंगी वहां वहां से ही आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हम निकाल सकते हैं इनके थ्रू। ठीक है, अब एक सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं जब ये दोनों लाइन्स जो है जब ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, ये वाली सिचुएशन, यहां पर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। ठीक है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर मैं 1 के अकॉर्डिंग चलता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, इसको मैं कहता हूं E1। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ये है मेरी डायरेक्शन E2। ठीक है, या E2 ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इसकी वजह से मैं निकाल पा रहा हूं। ठीक है, अब बात ये आती है कि इनकी अगर इनका अगर इंटरसेक्शन होता है तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे मिलती है इनमें से कौन सी डायरेक्शन सही है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि इनकी वजह से जो है कोई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होगा ई नेट और फिर उसकी डायरेक्शन में कंसिडर करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही देने वाली है अल्टीमेटली। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी जो है वो उनकी परफेक्ट है, वो तो बदली नहीं जा सकती। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हमें तो ये बताना है, हम पिछली प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि दो डायरेक्शन प्रेजेंट होंगी जब हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को इंटरसेक्ट कराएंगे तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली सिचुएशन आपकी प्रेजेंट नहीं होगी। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते जरा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन कि आपको बोर्ड्स में कैसे इसको लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बेसिकली आपको पहले ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो डायरेक्शन बताती हैं किसी भी कंसिडर्ड पॉइंट पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कंसिडर्ड पॉइंट। जो भी पॉइंट आपने कंसिडर किया है उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बताएंगी। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, अगर वो एक दूसरे को मान लीजिए इंटरसेक्ट करती भी है तो वहां पर दो डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है केस। इसी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। आप यहाँ पर एक ये छोटा सा डायग्राम भी बनाकर बता सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये जरूर लिख देना कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब बेटर हो जाता है रिप्रेजेंटेशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों को बताओ यार कि काफी अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको। और इलेक्ट्रोस्टैट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सभी मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, लेकिन आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के यहाँ पर क्वेश्चंस जो होंगे प्रीवियस ईयर के उन सभी का ऐसे आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा और उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे दूंगा। जितने भी मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं इससे पहले, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका जो आई बोल है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा या वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा।